तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ एस्टिलागो, जिसको हम स्मट भी कहते हैं। तो हम यहाँ से क्ले मेडोस्पोर से स्टार्ट करेंगे और क्ले मेडोस्पोर तक ही वापस इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। क्ले मेडोस्पोर जो है ये सीड है, सीड के अंदर डोरमेंट जो है ये पैरासाइट है। अब ये क्ले मेडोस्पोर क्या करेगा, इसके अंदर के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में कंबाइन होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, जर्म ट्यूब बनेगी। जर्म ट्यूब से फर्दर जो है वो ये ग्रो करता जाएगा और ग्रो करता करता जो है बेसिडियोस्पोर्स बना देगा। तो बेसिडियोस्पोर्स जब बनेंगे तो इसकी बॉडी को हम कहेंगे प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम से बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स फर्दर जो है वो जर्मिनेट करेंगे और सेकेंडरी माइसीलियम बनाएंगे। सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो होस्ट की ओवरी को इन्फेक्ट करेगा और फिर से सीड के अंदर डोरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सीजन में